लगभग 2 साल बाद हम जा रहे हैं आउटिंग में। पेट्रोल भी कम था तो मैं थोड़ा डर गई। आप लोगों ने देखा वो है दूधपातिल का ब्रिज, एकदम सुनसान है दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये सब फेक है, पता नहीं क्या हुआ है। हम रास्ता भटक चुके हैं। वेलकम टू माई ब्लॉग, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस ब्लॉग में। और आज लगभग 2 साल बाद हम जा रहे हैं आउटिंग पर। आउटिंग पर यस। और ये है हमारी धन्नो, तो कहाँ जा, जिसका हाल अभी बुरा है थोड़ा। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, बस निकल गए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। लेट्स गो दोस्तों। हम ऐसे ही हैं, बिना सोचे समझे बस निकल जाते हैं और फिर वापस आ भी जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ, हम रास्ता भटक गए। मुझे थोड़ा डर भी लगा था क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था और गाड़ी में पेट्रोल भी कम था, तो मैं थोड़ा डर रही थी। लेकिन ये स्टोरी बाद में बताती हूँ, पहले बताती हूँ हम कहाँ गए। ये जो सुपर ब्यूटीफुल ब्रिज आप लोगों ने देखा वो है दूधपातिल का ब्रिज, और हम इसी साइड से आए हैं दूधपातिल में। हमें जाना था दुर्गा माँ के मंदिर पर, वो मंदिर हमें मिला नहीं, और सुंदर नजारे देखते देखते हम यहाँ पर काली माँ के मंदिर आ गए। ये जगह एकदम सुनसान है, इंसान तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, सिर्फ पंछी की आवाज आ रही थी, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए आप लोगों को भी पूरा डिटेल्स में दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं माँ काली का। क्यों है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत। कुछ देर के लिए तो मेरी आंखें भी नहीं हट रही थी, लेकिन फिर सोचा हमें देर हो रही है और शाम होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, तो थोड़ा घूम लेते हैं। इस पेड़ को देखिए, इतना बड़ा पेड़, देखने से लगता है ये बहुत पुराना होगा। यहाँ पर एक समाधि स्थल भी है और आगे इस ओर है शिव मंदिर, क्योंकि माँ काली जहाँ पर है वहाँ पर शिव मंदिर तो होता ही है। दोस्तों आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड मैं यहाँ पर आ पाई। एक्चुअली मैं नहीं आई हूँ, माँ का कृपा है, भोले बाबा का कृपा है कि मैं यहाँ पर आ पाई। एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड, ये जगह सच में बहुत खास है, बहुत ज़्यादा। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इस जगह का पूरा एड्रेस, कैसे आना होता है, सब कुछ डिटेल्स दे दूँगी, क्योंकि हर किसी को मुझे लगता है यहाँ पर एक बार तो आना ही चाहिए। तो इसी आशा के साथ हम यहाँ पर फिर आएंगे, ज़्यादा टाइम लेके आएंगे। मैं और आशा पूर्णा यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पहले ही बताया है टाइम से हमें जाना है। ये रास्ता हमारे लिए अननोन है और पेट्रोल भी कम है, तो रिस्क नहीं लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मंदिर, सबको यहाँ पर आना चाहिए। हाँ, मंदिर तो हमेशा ही खूबसूरत होता है। ओके, तो हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं, काफी लेट हो चुका है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाए, इससे पहले हमें पहुँचना है अपने घर। तो सी यू दोस्तों। ये प्रॉपर गांव वाली फीलिंग है ना, ये सच में यही पर है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं तो रुक रुक कर हर एक चीज को देख रही थी, लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसलिए भाग भी रही थी, लेकिन मैंने पूरा एंजॉय किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, आय हाय दोस्तों, ऐसा लग रहा है हम जन्नत में आ गए। हमारे चेहरे की ग्लो देखिए, ये सब फेक है, पता नहीं क्या हुआ है, कुदरत ने दिया है हम लोगों को। हाँ, ये सब जो ग्लो देख रहे हो आप, हमने कुछ नहीं लगाया, मेकअप भी नहीं है, बस ग्लो कर रहे हैं। ये जगह है ही बहुत स्पेशल। दोस्तों हम जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ही जा रहे थे, रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, हम नेचर में इतना खो गए कि सीधे रास्ते में भी हम खो गए। दोस्तों हम रास्ता भटक चुके हैं और भटकते हुए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर काफी जगह चलना पड़ता है और हम इसी मंदिर में आना था, तो हम इसी मंदिर के पर्पस से निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक कर दूसरे मंदिर में चले गए। और ये भगवान की ही मर्जी है, हम कहीं के लिए निकले थे, कहीं और पहुंच गए और फिर वापस वहां पर आ गए, लेकिन ये रास्ता हमें अभी भी नहीं पता। यहाँ पर हम माँ का दर्शन करेंगे और फिर वापस निकल जाएंगे जल्दी से, क्योंकि शाम होने से पहले हमें जाना है घर। राधे राधे, राधे राधे। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम लगभग ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सीढ़ियां थोड़ी बाकी है। चलिए चलते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। राधे
एक्चुअली ये दुर्गा मंदिर नहीं माँ चंडी मंदिर है, जो माँ दुर्गा के ही रूप है, और यहाँ पर भी माँ हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही है। और माँ जहाँ भोले बाबा भी वहाँ, तो चलिए भोले बाबा को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ का व्यू, अभी सनसेट हो रहा है और हम थोड़ा ऊपर है, इसलिए ये जगह और भी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर भोले बाबा के साथ है नंदी महाराज, जिनके कान में आप जो भी कहेंगे भोले बाबा तक पहुँच जाएंगे और भोले बाबा सुन लेंगे। मैंने भी कुछ कहा लेकिन आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ आने के बाद मेरा मन कर रहा है मैं यही कहीं बस जाऊँ, यहाँ से बिल्कुल ना जाऊँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हम जब यहाँ पर आए थे यहाँ का टेम्परेचर काफी लो था, हमें थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी इस गर्मी में भी, तो हम दोनों ने मिलकर इस जगह को हमारे असम के काछर डिस्ट्रिक्ट का पर्सनल मेघालय डिक्लेयर कर दिया। एनीवे चेहरे के स्माइल के साथ साथ मन में डर भी था, लेकिन हमने लोगों से पूछ पूछ कर बस वापस आ गए। Now we are safe, हमें पता है हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अभी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और इसी के साथ हम लगभग आ चुके हैं और आज सबसे भी लेते हैं विदा, लेकिन जाने से पहले कुछ फोटो शेयर करना तो बनता है जो हमने वहाँ पर खिंचाई है। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।